जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चिकन रेशमी कबाब की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। चिकन रेशमी कबाब बनाने के लिए हमने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है। मैरिनेशन के लिए हम इसमें एक टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन और छोटी हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। फिर हमें इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देना है और इसी के साथ हमें इसमें एक टेबलस्पून सफ़ेद सिरका यानी कि वाइट विनेगर ऐड कर देना है। आप इसकी जगह नींबू का रस भी ले सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो इस तरह से पहले हम चिकन को अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ मैरिनेट करेंगे, इससे इसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट मैरिनेशन तैयार है। अब हम इसे कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए रख देंगे। तो 15 मिनट के बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पर 5 टेबलस्पून बिल्कुल गाढ़ा दही लिया है, ये हंग कर्ड है, यानी कि हमने 5 टेबलस्पून दही लिया और फिर इसे छन्नी पर रख कर इसका एक्स्ट्रा का पानी हटा लिया है। और 5 टेबलस्पून मलाई ऐड कर देंगे। आप यहाँ पर मलाई की जगह फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। और अब हमें इसमें 2 टेबलस्पून मोज़रेला चीज़ ऐड कर देनी है। आप यहाँ पर मोज़रेला चीज़ की जगह प्रोसेस चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, प्रोसेस चीज़ को ग्रेट करके ऐड कर दें। और ऐड करेंगे 3/4 टीस्पून यानी कि 1/4 चम्मच वाइट पेपर पाउडर। अगर आपके पास वाइट पेपर पाउडर नहीं है तो आप काली मिर्चों का पाउडर भी ले सकते हैं। अब हम इसमें 1/3 टीस्पून यानी कि 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा गरम मसाला ऐड करके इसे अच्छे से मिला लेंगे। सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिला ली है और अब हम इसे कवर करके 2 घंटों के लिए फ्रीज में रख देंगे ताकि हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए। आप इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। तो 2 घंटे हो चुके हैं, चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया है और अब हमें इसे स्मोकी फ्लेवर देना है। तो इसके सेंटर में हमें बिल्कुल गर्म कोयला रख देना है और इस पर हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा घी या फिर थोड़ा सा तेल और तुरंत हम इसे कवर करके 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। तो हमने इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था और अब हम इसके सेंटर में से कोयला निकाल लेंगे और अब हमें चिकन को एक बार अच्छे से मिला लेना है। अब हमें यहाँ पर चिकन फ्राई कर लेनी है। तो हमने एक पैन में 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया है। आप यहाँ पर चिकन फ्राई करने के लिए ग्रिल पैन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारा तेल गरम हो जाएगा हम इसमें एक एक करके चिकन के पीसेस ऐड करते जाएंगे और यहाँ पर इसे फ्राई करते वक्त हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे ताकि हमारा चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। तो लो फ्लेम पर फ्राई करने के दौरान हम इसे कवर कर देंगे। तो इस तरह से फ्राई करने के दौरान हम बीच में इसकी साइड को चेंज कर देंगे और फिर हमें इसे इसी तरह उलट पुलट करके दोनों तरफ से तब तक फ्राई कर लेना है जब तक कि इस पर ग्रिल मार्क्स आने लगे और हमारा जो चिकन है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। तो इस तरह से हमने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब हम इसे पैन में से निकाल लेंगे और जो बाकी का चिकन है उसे भी हमें इसी तरह फ्राई करना है। तो फ्राई करते वक्त हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इसे कवर कर देंगे और दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए और इसका पानी ड्राई हो जाए तब तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। फिर हम इसे तेल में से निकाल लेंगे। इस तरह से जब आप अपने घर पर बग़ैर ओवन के और बग़ैर तंदूर के चिकन रेशमी कबाब बनाएंगे तो यकीन मानिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपकी ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। आप हमारी इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर से कीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।